इस तरह से कितना खस्ता बना है, तो आप एक बार बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिए। तो आज हम बनाने वाले हैं गुड़ और बादाम का चिक्की, और ये चिक्की हम इतना स्वादिष्ट बनाएंगे, कुछ ऐसे चीज़ डालेंगे कि इसका स्वाद बढ़कर दुगना हो जाएगा, और आप एक बार बना के खा के देखिएगा तो बिना दोबारा बिना बनाए नहीं रह पाइएगा। तो हम यहाँ चिक्की बनाने के लिए एक कटोरी बादाम ले लिए हैं और एक कटोरी गुड़ ले लिए हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लिए हैं, इसे गर्म कर लिए हैं और इसमें हम बादाम को भून लेंगे। हाई फ्लेम पर हम नहीं भूनेंगे, इसे लो से मीडियम फ्लेम पर हम भूनेंगे। ये देखिए बादाम में हमारा यहाँ भी गर्म भी नहीं हुआ है अभी, इसे चटकने तक हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ बादाम हमारा चटकने लगा है, आपको चटकने की आवाज़ भी आ रही होगी, चट चट की आवाज़ें आ रही है। तो बादाम हमारा अच्छी तरह से भून गया है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम इसे ठंडा होने तक छोड़ देते हैं, जब ये ठंडा हो जाएगा अच्छी तरह से इसे हम ठंडा कर लेंगे और इसका हम छिलका उतार लेंगे। अब हम इसका छिलका किस तरह से उतारेंगे, एक कपड़ा रख लेंगे, तौलिया भी आप रख सकते हैं, और इसमें हम बादाम को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से कपड़े को मोड़ लेंगे। मोड़ के हम इस तरह से सारे छिलके अच्छे से उतर जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम सारे बादाम के छिलके उतार लिए हैं, और थोड़ा बहुत बच गया है तो इसे हम हाथ से एक एक करके निकाल लेंगे इस तरह से। तो हम बादाम को छलनी की मदद से छान लेते हैं, देखिए इस तरह से हम छान लेंगे। तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए सारे बादाम हम अच्छी तरह से छान लिए हैं और हमारा बादाम दो टुकड़ों में बट गया है, बिल्कुल इसी तरह से बादाम हमको चाहिए। तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम सारे बादाम को छानकर रख लिए हैं। तो चाशनी बनाने के लिए हम यहाँ कढ़ाई को गर्म कर लिए हैं, अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच घी और इसे पिघलने तक हम इंतज़ार करेंगे। इसे अच्छी तरह से हम पिघलने देते हैं, घी पिघल गया है, अब हम इसमें डालेंगे गुड़। गुड़ को हम अच्छी तरह से बारीक कर लिए थे, आप भी गुड़ को बारीक करके ही डालें, चाकू की मदद से काटिए, कद्दूकस कर लीजिए और जल्दी घुल भी जाता है बारीक रहने पर। और इसे हम लो आंच में ही पकाएंगे, हाई फ्लेम नहीं करेंगे, इसमें लो से थोड़ा सा ज़्यादा है हमारा फ्लेम, ऐसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे, छोड़ेंगे नहीं इसे, नहीं तो अंदर में गुड़ हमारा जल जाएगा। हम गैस को लो कर दिए हैं, देखिए गुड़ में कितना अच्छा झाग भी आने शुरू हो गया है और कलर भी इसका चेंज हो गया है। अब हम इसे चेक करते हैं कि हमारा चाशनी तैयार हुआ है या नहीं। तो इसमें हम कटोरी में पानी लेकर दो बूंद डालेंगे और इसे हम इकट्ठा कर लेंगे, बिल्कुल टूटना चाहिए इसे, रबड़ जैसा नहीं होना चाहिए। ये देखिए टूट जा रहा है, हमारा चाशनी तैयार हो गया है। तो अब हम डालेंगे इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए एक चम्मच सौंफ, जिसे डालेंगे, और हम दरदरा इलायची ले लिए हैं, तीन इलायची जो कूट लिए हैं, आपके पास अगर इलायची पाउडर है तो इलायची पाउडर दो चुटकी डाल दीजिए। और हम इसमें डालेंगे एक चुटकी से भी कम बेकिंग सोडा, स्वाद दुगना से भी ज़्यादा हो जाता है एक बार अगर खा लिए तो। अब हम इसमें डालेंगे बादाम, और हम इसे अच्छी तरह से
मिक्स कर लेंगे और गैस को हम ऑफ कर दिए हैं। कढ़ाई हमारा अभी गर्म है इसलिए भी इसे जमने का चांस नहीं है। आप इस तरह से बनाकर ज़रूर खाइएगा, स्वाद बहुत अच्छा आएगा। कपड़ा ले लिए हैं, इस पर हम थाली को उल्टा करके रख लेते हैं और थोड़ा सा हम इसमें घी लगा देंगे। इस तरह से और बादाम को हम इस पर निकाल लेंगे। अब बेलन के सहायता से हम इसे फैलाएंगे इसलिए हम इसमें भी घी लगा लेंगे। थोड़ा सा घी हम अपने हाथों में लगा लेते हैं। बेल कर हम इसे पतला कर लेंगे। अभी ये गर्म है, गर्म में ही हम चाकू इसे, नहीं तो फिर बाद में जमने के बाद नहीं कटेगा। आप जैसा शेप देना चाहते हैं वैसा दे सकते हैं, इस तरह से भी शेप हम दे सकते हैं। तो इस तरह शेप में हम काट लिए हैं। अभी ये गर्म है, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए हम छोड़ देते हैं, उसके बाद हम इसे निकाल के एक प्लेट में रखेंगे। तो यहाँ हमारा चिक्की ठंडा हो गया है, अब हम इसे एक ट्रे में निकाल लेते हैं, टिक्की को निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना आसानी से निकल रहे हैं। तो यहाँ हम सारे चिक्की को निकाल के एक ट्रे में रख लिए हैं। ये देखिए इस तरह का शेप दिए हैं और एक हम गिलास से काट कर गोल का शेप दिए हैं। आपको जिस तरह का शेप देने का मन है उस तरह से बना सकते हैं। हाँ, इन चीज़ जो चीज़ हम डाले हैं वो इन चीज़ों से बना कर खा कर देखिए। अगर अच्छा लगता है तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।